सर भी आ रहे हैं। सर नाम परिचय बताएं। मेरा नाम गफ्फार खान है जी, और मैं शासकीय प्राथमिक शाला छोटी डेमरी में यहाँ प्रधान पाठक के पद पर पदस्थ हूँ। इससे पहले मैं ललितपुर में था और डीओ मैडम के आदेश के अनुसार मैं यहाँ पर पदस्थ हूँ सर, और शिशु का संचालन कर रहा हूँ। सर कितना विद्यार्थी हैं यहाँ? अभी 35 विद्यार्थी हैं सर। शिक्षक सर यहाँ? शिक्षक मैं अकेला हूँ अभी जी। एक शिक्षक की अति आवश्यकता है। अच्छा, और हमारे पालक समिति वाले और गाँव वाले यहाँ पर जब प्रवेश उत्सव हुआ था सर, उस समय मांग किए हैं अधिकारियों से, और अधिकारी लोग आश्वासन भी दिए हैं कि जल्द से जल्द एक शिक्षक की व्यवस्था करेंगे बोलकर। अच्छा, तो सर शिक्षक ने उनसे क्या कुछ परेशानियों को झेलना पड़ रहा है आपको? हाँ, परेशानी थोड़ा है सर, लेकिन उसके बावजूद भी मैं मेरे कार्य के अनुसार मैं अच्छे से बच रहूँगा, शिक्षा अध्यापन कार्य करवा रहा हूँ सर। और सर मेरा और सवाल था जी, मतलब बच्चे अतिरिक्त कक्षा में पढ़ते दिखाई दे रहे हैं जी? बच्चे जी जी अभी अतिरिक्त कक्षा में लग रहा है सर, क्योंकि आप तो देख रहे हो कि जो मूल भवन है वो बहुत ही जर्जर स्थिति में है। अच्छा। और कभी भी ढह सकता है सर, खतरा की बहुत आशंका है। बच्चे लोगों को मैं बहुत ही सतर्कता के साथ आने जाने के लिए उधर जाने के लिए मना करता हूँ, और मैं भी खुद उधर नहीं जाता सर। ये जर्जर स्थिति की भवन कब से ऐसी है सर? ये लगभग 4-5 साल हो गए सर। अच्छा जी, है ना जी। और पहले यानी कि जो पुराना हेडमास्टर थी वो ही मूल यानी कि अतिरिक्त कक्ष में ही लगा रही थी। अच्छा, इसलिए हम लोग भी अतिरिक्त कक्ष में लगा रहे हैं सर। और तो कोई ऑप्शन भी नहीं है? और कोई ऑप्शन भी नहीं है जी। तो सर इस बारे में सरकार और यहाँ की स्थानीय क्या कर रहे हैं, जो विभाग है मतलब कुछ पता है उनको, उनके नॉलेज में है ये चीज़ जो जर्जर भवन है शिक्षा विभाग के नॉलेज में? हाँ, शिक्षा विभाग के नॉलेज में है ना सर। इससे पहले कई बार यहाँ पर पत्रकार आ चुके हैं जी, और यहाँ पर कई बार बाइट ले चुके हैं जी, तो उनके ध्यान में है सर। अच्छा, क्या लगता है कितनी जल्दी बनने के? अब जल्द से जल्द बन जाए सर, यही है ना आशा करते हैं। और पहले बच्चे नहीं थे सर मूल, इसलिए डिसमेंटल भी हो नहीं पाया और नया भवन भी नहीं बन पाया। अब तो हमारे गाँव में हमारे स्कूल में 35 बच्चे अभी अध्ययनरत हैं जी। और आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हमारा ये जो मूल भवन है डिसमेंटल हो जाए और नया भवन बन जाए, जिससे कि हमारे बच्चे वहाँ पर अच्छे ढंग से पढ़ सकें।